रविकांत दुबे। तो फिर लाइव के लिए एक और नई वीडियो आज हम बताने जा रहे हैं कि HDR क्या होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम ज़्यादा वीडियो बना ही नहीं बड़ी, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाती है तो लोगों को कम इंटरेस्ट आता है। तो यहीं से हम स्टार्ट कर देते हैं कि क्या होता है HDR, इसे कब काम में लेना है और ये कैसे काम करता है। तो इन्हीं तीन टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं, क्या आपको पसंद आने वाली होगी ये वीडियो। तो अभी से लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में शायद भूल भी सकते हैं। जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जो HDR है उसे हम हाई डेफिनेशन रेंज के नाम से जानते हैं, जो इसका फुल फॉर्म है। और ये काम कैसे करता है, ये दोस्तों तीन फोटो क्लिक करता है, जो कि एक करता है कि ज़्यादा ब्राइटनेस वाली होती है, और एक करता है जिसमें कम ब्राइटनेस होती है, मतलब डार्कनेस होती है, और एक सादा फोटो जो सादा कैप्चर करते हैं। तो ये काम कैसे करता है, ये तीन फोटो को कंबाइन करता है, और जहाँ कम रोशनी होती है वहाँ थोड़ी रोशनी और डाल देता है, और जहाँ ज़्यादा डार्कनेस होती है वहाँ भी रोशनी डाल देता है, और जहाँ ज़्यादा ओवर ब्राइट होता है तो वहाँ एक थोड़ी डार्कनेस डाल देता है। तो इससे फ़ोटो आपकी एकदम क्लियर कर देता है, दोनों तरफ से चारों तरफ से एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाती है, सारी तरफ लाइटें बराबर हो जाती हैं, तो इससे फ़ोटो आपकी सही काम में आती है। तो आप कुछ सैंपल देख सकते हैं दोस्तों। और आपको ये कब यूज़ करना चाहिए, तो मैं इस बारे में भी बात करने वाला हूँ। इसे आपको कब यूज़ करना चाहिए, इसे आपको तब यूज़ करना चाहिए जब आपका जो है पीछे लाइटिंग पड़ रही हो। जैसे कि आप इस फोटो को देख सकते हैं, पहले इस पर लाइटिंग पड़ रही है पीछे से, तो इस फोटो को कुछ नहीं आ रहा है। और जब हम HDR ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं इस पर कितना अंतर आ जाता है। अब हम बात करने वाले हैं इसे कब यूज़ ना लिया जाए। तो इसे लो लाइट में यूज़ ना किया जाए, क्योंकि इसमें लो लाइट हो जाता है तो फिर इसमें इतनी अच्छी ब्राइटनेस नहीं मिलती है आपको, इसलिए इतना बढ़िया लुक आपको नहीं मिलेगा फ़ोटो का। अगर आप चाहते हैं तो इसे जहाँ नॉर्मल लाइट आ रही हो, जहाँ लाइट ठीक ठाक हो, वहाँ यूज़ करें, क्योंकि ये डार्कनेस में ज़्यादा यूज़ ना करें। मतलब ये है, कर तो सकते हैं आप यूज़, लेकिन वो फ़ोटो को इतना क्लियर नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें इतनी क्षमता नहीं है, तो वो नहीं कर सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको इतनी सारी बातें बता दी हैं, तो आप समझ ही गए होंगे कैसे काम करता है। ये तीन फ़ोटो क्लिक करता है, एक डार्कनेस वाली, एक ब्राइटनेस वाली और एक सादा, इसे कंबाइन करके एक फ़ोटो आपको बना कर दे देता है। और इसे कब यूज़ में लेना चाहिए ये भी मैंने बता दिया है, जब यूज़ में लेना चाहिए जब आपके पीछे लाइट पड़ रही हो और आपकी फ़ोटो डार्कनेस आ रही हो ज़्यादा, तो आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आप सैंपल भी देख सकते हैं, फिर से मैं दिखा देता हूँ, यहाँ सैंपल आप देख सकते हैं कितने एकदम अच्छे फ़ोटोज़ आ रहे हैं इसमें, देख सकते हैं आप बड़े अलग अलग फ़ोटोज़ हो जाते हैं। आपको ये अगर लग रहा है कि ये गलत है, तो नहीं यार दोस्तों, HDR ऑन करने पर ऐसा ही होता है। अगर आपको HDR पता नहीं था तो अब पता चल गया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिए। तो मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।